हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर आपको बता दें जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस जगह है। कैसे जाएंगे, क्या क्या चीजें, पूरी जानकारी देने वाले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे पहले और देखे वीडियो कैसा लगेगा आपको जरूर बताइएगा। तो दुर्गापुर जो है आसनसोल में आता है। आसनसोल से कुछ ही दूरी पे है, जो कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। और इसी रेलवे स्टेशन में यहाँ के बगल में आपको रेड लाइट एरिया कैसे जाना, मार्केट कैसे जाना, पूरी जानकारी देने वाले, यहाँ की सच्चाई बताने वाले जो आपको नहीं जानते होंगे। तो आप देख सकते हैं जब कभी भी आप जाते हैं, सर्वप्रथम आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जहाँ से बहुत सारी जो टैक्सी है वो आपको लगी हुई रहेगी, जो कि बंगाल में जिस तरीके से चलती है आप समझ सकते हैं, येलो कलर का, वो आपको टैक्सी यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। और यही मेन गेट है, मेन एंट्रेंस गेट यही है जहाँ पे आप जाएंगे। अगर हम स्टेशन कोड की बात करें, DGR है, जब भी आप सर्च करेंगे, जो कि आसनसोल डिवीजन में पड़ता है। 1855 ईस्वी में ओपन किया गया था और फिर इसे जो इलेक्ट्रीफाइड 1965 से 1966 में किया गया और 2019 में जो है इसे अच्छे तरीके से रिनोवेट करके बनाया गया ये रेलवे स्टेशन। तो रात को भी यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे इस तरीके से सोए हुए, और दिन में भी यहाँ पे लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसा बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, लोग जो है वो हमेशा यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे रात को आप जा रहे हैं या दिन में। तो आप घबराएं नहीं, रात को भी जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और जो है पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जो कि आसनसोल सेशन में है बर्धमान का, और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ का रेड लाइट एरिया अगर आपको जाना है, तो यहाँ दुर्गापुर से आपको जो है अगर लीगल तरीके से जो बात करें, तो यहाँ से आपको सीतारामपुर जाना पड़ेगा, देन वहाँ से जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे उसका एक और वीडियो हमने बनाया है सीतारामपुर रेलवे स्टेशन का, वो आप देख लें, आपको मिल जाएगा, चैनल पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। और ये देखिए प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म में लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहता है। 5 प्लेटफॉर्म है, 5ों प्लेटफॉर्म में अलग अलग गाड़ियाँ, चाहे हम सफ़र एक्सप्रेस हो या फिर और जो है वो सारी ट्रेनें यहाँ आती। हावड़ा में दिल्ली जब जाएंगे तो इधर से ही गुजरती है, जो कि दुर्गापुर होते हुए जाती है। हावड़ा गया जो है वो भी दुर्गापुर होते हुए जाती है। हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन जो है वो भी दुर्गापुर होते हुए जाती है। और वर्धमान आसनसोल सेशन जो है वो भी दुर्गापुर होते हुए जाती है। तो वर्धमान के बाद आपको दुर्गापुर पड़ेगा रेलवे स्टेशन, फिर इस तरीके से आगे की ओर जाती है। तो ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ये बाहर का लोकेशन है, देख सकते हैं यहीं पे मेन बिल्डिंग में ही आपको यहाँ पे जैसे एंट्री लेंगे यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, टिकट मशीन मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ATM की सुविधा अवेलेबल है और ये जितने भी गाड़ियाँ लगी हुई है पार्क की हुई है, यहाँ से आप गाड़ी पकड़ के फिर यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं। होटल की बात करें तो होटल आपको दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आपको होटल मिल जाएंगे, 500, 600, 700 में वहाँ पर आप रुक सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर भी होटल ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ से मार्केट कुछ ही दूरी पे है, आराम से जाएं और घूमें। और ये देखिए यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा लगे हुए रहते हैं नीचे, तो ये सारे लोग जो हैं वेट कर रहे हैं, जब इनकी ट्रेनें आती तब यहाँ से जाते हैं। और अच्छी बात यहाँ क्या है कि रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको बहुत ही बड़ा स्पेस में मिल जाएगा, जहाँ पर आप कुछ देर टाइमिंग स्पेंड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग लगाया गया, कौन सी ट्रेनें कब आ रही वो दिख जाएगा, और बाहर एक इंजन भी रखा गया है, इंजन भी रखा गया बाहर एक, वो भी आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा है। तो जब कभी भी आपका प्लान बढ़ता है दुर्गापुर जाने का, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। अगल बगल पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया, पार्किंग एरिया टाइप से बनाया गया, जैसे आपको आसनसोल में रेलवे स्टेशन में मिलेगा ना, सेम वैसी है JT की, यहाँ पे कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा। आसनसोल का वीडियो आप नहीं देखें तो चैनल पर क्लिक करके आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो आसनसोल की भी वीडियो आप देख लें, वहाँ का बस स्टैंड, वहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है, और उसी के बगल में आपको दुर्गापुर मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं और बहुत सारी जाती है, तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पे रुक सकते हैं। दुर्गापुर में भी रेड लाइट एरिया जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर भी घूम सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा दुर्गा पूजा के टाइम में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है बंगाल के लिए। और फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया, देखिए एस्केलेटर भी मिल जाएगा आपको, लिफ्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। ये एस्केलेटर आगे की ओर है और ये फुट ओवर ब्रिज है, तो ये आपको मिल जाएगा। आप भी दुर्गापुर से, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई और जानकारी चाहिए कमेंट में बताइएगा, हम पूरा वीडियो अगले वीडियोज में लाएंगे।